ससुर को बहू ने मुखाग्नि दी और तो और अब अस्थियां लेकर हरिद्वार भी जाएगी। सुनने में हैरान कर देने वाला है, लेकिन है बिल्कुल सच। बैजनाथ में बेटे का फर्ज निभाते हुए बहू ने ये मिसाल पेश की है। जवान बहू रजनी ने सभी परंपराओं को किनारे रख ससुर की चिता को मुखाग्नि दी। हम बात कर रहे हैं बैजनाथ के चौबीन गांव की, जहां 74 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक त्रिलोक नाथ शर्मा का निधन हो गया। करीब 2 साल पहले उनके जवान पुत्र का भी अचानक निधन हो गया था। उनकी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन उनकी जवान बहू रजनी ने अपने पति की जगह लेते हुए बेटे का फर्ज अदा किया। इलाके में शायद ये पहली बार हुआ जब एक बहू ने ससुर को मुखाग्नि दी। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में महाकाल स्थित शमशान घाट में शिक्षक का अंतिम संस्कार हुआ। शनिवार को रजनी ने महाकाल स्थित शमशान घाट में अपने ससुर की अस्थियां अस्तु सिंचित की। वहीं उन्हें हरिद्वार तक ले जाने का भी बीड़ा उठाया। इसी मौके पर भावुक होकर रजनी ने कहा कि 2 साल पहले जब उनके पति की अकस्मात मृत्यु हो गई थी, तो उनके ससुर ने एक पिता की तरह उन्हें संभाला और 2 साल में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। जब उनके पिता का निधन हुआ तो उन्होंने ये मन में ठान लिया कि एक पुत्र की भांति वह उनके हर क्रियाकर्म करेंगी। मेरे पर मेरी फैमिली की जिम्मेवारी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन पहले मेरे साथ ये घटना हो चुकी थी ना? पहले भी मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी थी, तो मेरे पापा ने मेरा साथ दिया था, तो यही मेरे माता पिता ने, तभी मैंने ऐसा किया। हाँ, ऐसा ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में, ये कायम मिसाल कायम हुई है। आज बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं है, तो हमारा सब लोगों से ये अनुरोध है कि जो लड़के काम करते हैं वो लड़कियाँ भी आज समाज में बढ़ चढ़ कर रही हैं। जो यहाँ पर अग्नि विसर्जन का जो दाह संस्कार हुआ, ये इस इलाके में पहली बार हुआ जो कि एक बहू ने अपने ससुर को मुखाग्नि लकड़ी जो है लगवाई। सबके लिए मिसाल है, सभी के लिए मिसाल है ये। मास्टर त्रिलोकनाथ जी के निधन पर सारा इलाका बड़ा गमगीन है, और उनके बेटे की 2 साल पहले अकस्मात मृत्यु हो गई थी, तो उनकी 2 बेटियां हैं वो शादीशुदा हैं, तो बहू ने अपने बेटे का फर्ज निभाते हुए उनकी चिता को अग्नि दी तथा 2 साल से वो अपने पूरे फर्ज निभा रही है, बेटे के फर्ज निभा रही है और परिवार का पालन पोषण कर रही है और देखभाल भी कर रही है। ये इलाके में एक चर्चा का विषय है और ये लोगों ने इस चीज़ को बहुत सराहा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोहरू की रिपोर्ट। This news is brought to you by Barmani Skincare Nagrota Bagwan. Barmani Skincare में लेजर मशीन द्वारा अनचाहे बालों से छुटकारा, हाइड्रा फेशियल मशीन एवं PRP उपलब्ध है। इसके अलावा फुलबेरी के दाग, सोराइसिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, झड़ते बाल, मुहांसों का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। फुली इक्विप्ड लेजर सेंटर, फ्रैक्शनल CO2 लेजर अल्ट्रा पल्स, जिससे मुहांसों के दाग, चिकन पॉक्स के दाग, चोट के दाग, सर्जरी के बाद के दाग का इलाज भी किया जाता है। वर्मानी स्किन केयर की सुविधा अब पालमपुर में भी उपलब्ध है। अपर बेसमेंट पालमपुर सिटी मॉल, हर वीरवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।